झारखंड में उत्पाद विभाग पुलिस की बहाली में 10 से अधिक अभ्यर्थियों की मौत हुई है। मरने वालों में एग्यारकुंड के धानकुड़ा के रहने वाले रोहित सिंह भी शामिल थे और इस घटना के बाद से परिवार सदमे में है। आज परिजनों से मिलने झामुमो जिला अध्यक्ष लक्की सोरेन पहुंची और उनके साथ भी कई और लोग वहां मौजूद थे। इस दौरान पीड़ित परिवार को उन्होंने आर्थिक सहयोग प्रदान किया, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा में दौड़ में गिर जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। हम लोग को ऊपर से दिशा निर्देश मिला है कि इनके परिवार से मिले और इनके जो भी हो सहयोग करें। आने वाले समय में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी गुहार करेंगे कि इनको सरकारी नौकरी और सरकारी राशि मुहैया कराया जाए ताकि अपने परिवार को लेकर आगे बढ़े। धनबाद में चोरों का आतंक जारी है। तोपचाची थाना क्षेत्र में पिछले 2 महीने में 1 दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं हो चुकी है। तोपचाची थाने के सामने से भी बाइक की चोरी हो चुकी है और अभी तक एक भी मामले में पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच सकी, जिससे लोगों में गुस्सा है। लोगों ने अब इन घटनाओं को लेकर धरना प्रदर्शन तक की चेतावनी दी है। चोरों ने मिलकर रात को लगभग 1-2 बजे के बीच में 4-5 ताला तोड़कर घर में सारा जेवरात कम से कम 5-6 लाख का सामान लेके चला गया, जिसके चलते आज ब्राह्मण डिया हुआ, कल पथल चपरा, फिर कांडे डी और सिंहदाहा, आए दिन घटना बढ़ती जा रही है, जिसके चलते हम लोग गांव वालों ने मिलकर लिस्ट जारी किए हैं रात्रि प्रहरी का, जिसमें से आज रात भर जगने का और प्रहरी करने का 10 लड़का का नाम हम लोग सुने हैं। चोरी घटनाएं सामने आई हैं जिसके बारे में पता चला है ग्रामीण अपना रात भर जग के पहरेदारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ थाने के द्वारा भी रात भर पेट्रोलिंग की जा रही है और इस दिशा में कार्रवाई करने तथा चोरों को पकड़ने के लिए एक विशेष दल का गठन किया गया है SDPO बागमारा के द्वारा। जहां जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी से ही अभियान चलाया जाने लगा है। खासकर उन इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। झरिया थाना इलाके में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है।